सबसे पहले बात कर लेते हैं एंग्लो ईस्टर्न का। तो एंग्लो ईस्टर्न के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं ema.edu.in, और इसमें एडमिशन सेक्शन में हम लोग DNS पे आ चुके हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा इस पेज पे आ सकते हो। तो अभी हम लोग इनका जब वेबसाइट चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे जब नीचे जाओगे वेबसाइट पे, तो इनका वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन है DNS से रिलेटेड, या फिर GME ETH जो आपको करना है वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी वगैरह सब प्रोसेस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो जब अपन नीचे आते इधर, तो फिर आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि हाँ बैचेस के बारे में। तो अक्टूबर 2021 का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है। फरवरी 2022 के बैच से अभी हम लोग को मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनटेक 80 कैडेट्स लेते हैं, ये ड्यूरेशन 12 मंथ्स का है। स्टार्ट डेट है 1 फेब 2022, टेंटेटिव होता है। एप्लीकेशन स्टेटस टू बी अनाउंस, अभी भी अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। तो इनका वेबसाइट अप टू डेट रहता है, तो यहाँ पे अनाउंस जब हो जाएगा तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। बट द थिंग इज कि अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्स आ रहा है, मेल से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस जब इस पेज पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो वहाँ पे आप जाके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आप पढ़ के अग्री कर देना। अग्री करने के बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे आके आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फर्स्ट नेम डालने के बाद लास्ट नेम जिनके पास नहीं है वो डॉट डालेंगे, या फिर जिनके पास है वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे पूरा। उसके बाद जब यहाँ पे आप जब कैप्चर डाल के कंटिन्यू करोगे, सबमिट कर दो, सबमिट करने के बाद आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ईजी है भरना, सब के सब सारे एकदम नॉर्मल से उसमें डिटेल आपसे पूछे जाते हैं। वो सब फिल करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद मेल आपको आ जाएगा। अभी मेरे को पता चला है दो मेल ये भेज रहे हैं, एक तो आपका जिसमें कंफर्मेशन है कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंफर्म हो चुका है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और उसके बाद वो जस्ट आपको मेल भेज रहे हैं जिसमें आपसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसा कि आपने मेरा पहले का वीडियो एक देखा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भेज के टेस्ट देने का मौका मिल जाता था, तो सेम पैटर्न कुछ अभी इनका एंग्लोस्टन का स्टार्ट हो गया जब से कोरोना का टाइम है, जब से इन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट किए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब बिना कुछ बोले ही इनका रिस्पॉन्स प्रॉपर मेल में आपको मिल जा रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। तो वो अभी आपको मेल मिल जाएगा, और उस मेल पे आपको सब अपना इन्फॉर्मेशन रिप्लाई में डाल देना है। और अगर आपको अभी भी जानना है कि उसमें मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगता है मेल में, तो आप मेरा वो प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो, उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और आई कार्ड पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो ये हो गई एंग्लो ईस्टर्न की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म 2022 फेब बैच की बात। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी, जो कि GInstitute.com, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इनका स्टेटस चेक करते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का। तो फॉर एडमिशन स्पॉन्सरशिप अप्लाई नाउ, 3 प्रोस्पेक्टस मिले हैं जो कि GP रेटिंग January 2022, GME Jan 2022, ETO Jan 2022। 3 एप्लीकेशन फॉर्म इनके अवेलेबल हैं। इनका भी ये जो वेबसाइट होता है वो अप टू डेट रहता है, तो आपको यहाँ पे DNS का कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं दिख रहा है। बट अगर इन लोग का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहता है तो वो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे पड़ जाता है। तो अभी फेब 2022 बैच के DNS का कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इन लोगों ने अब तक अपडेट नहीं किया, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। बट बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, जब आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। तो बात सही है, पूरे साल ही अवेलेबल रहता है, पूरे साल आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट द थिंग इज वो कब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे हो, और उस टाइम पे इनका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम लेने का वो है, वो दो बैच के बीच में हमेशा एक गैप होता है जिसमें वो लोग मतलब कोई भी टेस्ट और कोई भी इंटरव्यू नहीं लेते, क्योंकि उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो वो आप अगर उस टाइम पे फिल कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। तो अगर अभी भी आप फिल करते हो, तो मे बी आपको वेट करना पड़ जाए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद भी आपका जो एग्ज़ाम डेट आएगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको वेट करना पसंद है, वेट कर सकते हो, तो आप इस पर क्लिक करके, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इस पर आप सीधा आ जाओगे। इस पर जाकर आप नेक्स्ट करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। उसके बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस सेलेक्ट करना, अब एक यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना, प्रॉपर पासपोर्ट साइज का फोटो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा ग्रेट ईस्टर्न का। फिल करके पेमेंट कर दोगे, आपको कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा पेमेंट का। उसके बाद आपको जब भी ये ग्रेट ईस्टर्न अपना ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, आपको टेस्ट का डेट मिल जाएगा। तो ये आपका ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस फेब 2022 का स्टेटस। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैरिटाइम इंस्टीट्यूट IMI ग्रेटर नोएडा।
इनके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है imi.edu.in। तो अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इनका भी वेबसाइट अप टू डेट रहता है, बट अभी इन लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर हियर फॉर DNS August 2021 बैच ही रखा है, जो कि अभी हो चुका है, सारे सिलेक्शन हो चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट नोटिस में भी इनका जो आ रहा है वो अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ही आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर DNS August 2021 बैच ही दिखा रहा है। तो अभी तक इनका मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्म आ चुका है, ऐसा कोई अभी इनका नोटिफिकेशन नहीं आया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं बोलूँगा IMI के लिए आप वेट कर सकते हैं, और अगर जिनको वेट नहीं करना है, जिनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ अगस्त वाले बैच में ही जाके जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये वाला आपका इंटरफेस खुलता है। इसमें टू अप्लाई कोर्स सेलेक्ट करो, कोर्स डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और यहाँ पे आप अपने डिटेल भर के इनको भेज सकते हो, सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। ये इनके स्पॉन्सरिंग कंपनीज हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आएंगी कि नहीं आएंगी, बट ये इनका कुछ प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का, और यहाँ पे प्रोसेस भी दे रखा है कि क्या क्या होगा आपका बाकी जब फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद का। तो ये है IMI ग्रेटर नोएडा के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस February 2022 के लिए। सो आई नो, लेट्स टॉक अबाउट TS Rahman का भी फॉर्म अभी तक आ जाता है या फिर दिसंबर में आपका आ ही जाएगा। तो अभी हम आपके लिए चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आया कि नहीं। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है tsrahman.org, और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आके जब आप जाओगे प्री सी कोर्स बुकिंग एडमिशन, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ आपका इंटरफेस आता है जिसमें जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहते हैं TS रहमान के, वो सबका लिस्ट बन के आ जाता है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से लिस्ट में आपका आ रहा है अभी TS रहमान के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल इन टेबल दिखा रहा है। अगर BSC या फिर DNS जो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आता है, रिलीज होता है, वो यहाँ पे लिस्ट दिखा देता है, ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन, ओपन डेट, क्लोज, स्टार्ट, अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अभी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए कोई भी अपडेट नहीं है TS रहमान के वेबसाइट पे। तो जैसा अभी आता है अपडेट, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा TS रहमान का फॉर्म आ चुका है। बाकी ये वीडियो मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हो किसी भी टॉपिक पे। तो ये बस मैं आप लोग को स्टेटस दिखाने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म का क्या स्टेटस चल रहा है अभी सारे इंस्टीट्यूट का, कंपनीज का, बस वो दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, राइट नाउ वी आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ARI, विच इज ARIEDU.com, और अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग दिस February 2022 बैच। और अगर आप मेरे चैनल पे अगर कंटिन्यू रहे होगे तो आपको पता है कि August 2021 बैच इनका कैंसिल हो गया था। कोई भी बच्चों का एप्लीकेशन, कोई कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ था August 2021 का। और मेरे को जहाँ तक अभी इस बार का भी पता चला है, बच्चों ने मेरे को कांटेक्ट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था व्हाट्सएप मैसेज का, तो वो लोग अभी इस बार भी प्लान करें कि February 2022 बैच को कैंसिल ही रखना है। तो अभी तक का अपडेट यही है कि ARI में कोई भी February 2022 बैच नहीं होगा, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते DNS के लिए February 2022 बैच। नाउ वी कैन होप फॉर August 2022 बैच की ये प्लीज़ उस टाइम पे August 2022 बैच को कंडक्ट करें, बाकी February 2022 में कोई चांसेस नहीं है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के ARI में। एंड गाइस, फॉर स्कॉर्पियो आप अपना CV भेज सकते हो इस ईमेल ID पे। कोई भी एक इंटरनेट से फॉर्मेट उठाना CV का, उस पर एक प्रॉपर अपना CV बना के PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उनको मेल कर सकते हो, और मेल के सब्जेक्ट में लिख देना कि स्पॉन्सरशिप फॉर DNS। तो जब भी वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे, उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल ID तो ज़रूर सही देना ताकि आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो बस इतना ही है इस वीडियो में, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज और इंस्टीट्यूट के जो बताने थे वो तो मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी और कंपनीज और कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का ID मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई टॉपिक है तो सजेस्ट कर सकते हो जिस पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और 5000 सब्सक्राइबर होने पे भी एक मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो, 5000 करवा दो। और बस इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।